हेलो गाइस, बहुत स्वागत है आपका क्रिक क्रैक में। ये एक बेहद खास पेशकश है जिसमें हम किस्सों की बात करेंगे, कहानियों की बात करेंगे, अतीत की उन घटनाओं की बात करेंगे जिनमें आपके और हमारे फेवरेट प्लेयर्स के कुछ ऐसे किस्से जुड़े हैं जो शायद आप तक ना पहुंचे हों। और इसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं रंगीन कपड़ों में भारतीय टीम के सबसे सफल कप्तान के नाम से। जी हाँ, महेंद्र सिंह धोनी के नाम से श्री गणेश हो रहा है इस खास पेशकश का। तो महेंद्र सिंह धोनी के बारे में यूं तो दुनिया सब कुछ ही जानती है, उसके बाद उनकी एक फिल्म आती है, उस फिल्म में भी बहुत कुछ बताया गया है, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो महेंद्र सिंह धोनी के बारे में जाननी बाकी है। जैसे कई लोग यही सोचते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी का जन्म तो बिहार में हुआ था, क्योंकि उस वक्त झारखंड तो बना नहीं था, इसलिए लोग सोचते हैं बिहार में ही उनका जन्म हुआ था, जबकि ये बात पूरी तरह से गलत है। उनका जन्म जो है वो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के लावली गांव में हुआ था। अच्छा, बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि 21वीं सदी की जब शुरुआत हुई तो महेंद्र सिंह धोनी खुद को एस्टैब्लिश कर चुके थे इंडिया की डोमेस्टिक क्रिकेट में, लेकिन नहीं, यहां भी आप लोग गलत हैं, क्योंकि जो देवधर ट्रॉफी टीम जीती थी 2004 में, कब 2004 में, तब ईस्ट जोन की टीम ने महेंद्र सिंह धोनी को इसलिए नहीं खिलाया कि भैया इस खिलाड़ी की जो बल्लेबाजी करने का तरीका है ना वो टेक्स्ट बुक नहीं है, बहुत अनकन्वेंशनल खेलता है, ऐसे शॉट खेलता है जो टेक्स्ट बुक में है ही नहीं, इसलिए महेंद्र सिंह धोनी को 2004 में भी टीम में नहीं लिया गया। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट्स थे जिनकी कहीं ना कहीं कहानी कहीं नहीं लिखी गई है, जिनका जिक्र कहीं नहीं किया गया है। लेकिन मैं आपको एक दूसरी कहानी सुनाने जा रहा हूं आज। मैं आपको लंबे बालों वाले महेंद्र सिंह धोनी की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसकी शुरुआत भी 21वीं सदी में ही हुई थी। मैं आपको उस धोनी की कहानी भी सुना रहा हूं जो 700 रुपए के जूते खरीदने के लिए यहीं दिल्ली पालिका बाजार में आया करता था। जी हाँ, महेंद्र सिंह धोनी ने जब अपने डोमेस्टिक क्रिकेट की यानी प्रोफेशनल क्रिकेट के बढ़ते हुए कदमों की शुरुआत की तो पहले जो वो जूते पहनते थे ना, सिर्फ 700 रुपए के जूते पहनते थे और दिल्ली की पालिका मार्केट से खरीदते थे। क्यों? क्योंकि पालिका बाजार का आज तक यही चलन है कि सस्ती और टिकाऊ चीजें चाहिए तो पालिका बाजार चाहिए। महेंद्र सिंह धोनी बहुत पहले से जानते थे उस बाजार को और 700 रुपए के जूते जब भी दिल्ली खेलने आते थे, ये कहानी बस गांठ बांध के रख लीजिए आप कि महेंद्र सिंह धोनी जब दिल्ली आए तो पालिका जरूर जाएं। क्यों? क्योंकि जूते खरीदने होते थे और किसी भी खिलाड़ी के लिए जूते बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, और खासतौर पर जब आप विकेट कीपर भी हैं, जब आप बल्लेबाज भी हैं, ऐसे में बहुत ज़्यादा अहमियत बन जाती है जूतों की। इसके साथ साथ लंबे बालों वाला धोनी, वो लंबे बालों वाला धोनी जिसकी तारीफ परवेज मुशर्रफ उस वक्त पे पाकिस्तान के राष्ट्रपति हुआ करते थे, उन्होंने एक ही सलाह दी थी धोनी को, कहा था मेरी एक सलाह मानना, ये बाल मत कटवाना। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से होती है? 2000 का वो साल था, महेंद्र सिंह धोनी लंबे लंबे बालों के साथ हर जगह चर्चा थी उनके लंबे लंबे छक्कों की, लेकिन कुछ एक दो लोग उनके लंबे लंबे बालों की भी चर्चा करते थे। उनमें से एक थे आकाश चोपड़ा। आजकल कमेंट्री की दुनिया में उन्होंने धाक जमा रखी है, उस वक्त पे भारतीय टेस्ट टीम के सलामी बल्लेबाज हुआ करते थे, वीरेंद्र सहवाग के साथ सलामी जोड़ी बनी हुई थी उनकी, वो कमरा शेयर कर रहे थे महेंद्र सिंह धोनी के साथ। जिम्बाब्वे का ये टूर था और उस वक्त पे इंडियन टीम का हिस्सा नहीं थे, डोमेस्टिक टीम जा रखी थी जिम्बाब्वे। वहां पर आकाश चोपड़ा ने साफ तौर पर महेंद्र सिंह धोनी को कहा कि यार देखो, ये इंडियन क्रिकेट है, यहाँ पे सब स्टाइल नहीं चलता है, तुम ऐसा मेरी एक बात मानो और अपने बाल कटवा लो। इसके पीछे की एक कहानी इससे भी जुड़ती है कि उनसे ठीक पहले विनोद कांबली का एक दौर हुआ करता था, और विनोद कांबली जाने जाते थे अपने स्टाइल की वजह से, ब्रेसलेट्स पहनना, वो चश्मे पहनना स्टाइलिश, उसके साथ साथ वो हाथ में बैंड, सर पे बैंड। तो क्रिकेटर्स का ये मानना था, दिग्गजों का ये मानना था कि बहुत बड़ा खिलाड़ी था यार विनोद कांबली, कई लोग तो ये भी कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर से ज़्यादा टैलेंटेड थे, लेकिन वो फैशन उन्हें मार गया, कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन आ गया और चीज़ें खराब हो गई। वही समझाते थे लोग महेंद्र सिंह धोनी को भी कि यार ये बालों के चक्कर में पड़ा रहेगा तो क्रिकेट करियर तेरा कहीं नहीं जा पाएगा, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने उस वक्त पे ही एक बात कही थी कि आप याद रखिएगा, एक दिन ये जो ट्रेंड है ना, इसको पूरा देश फॉलो करेगा। उसके बाद हम सबको पता है यार, 2004-2005 महेंद्र सिंह धोनी का जो पहला शतक आया वाइजैग में, 148 उन्होंने बनाए, लंबे लंबे बालों वाला धोनी हर जगह छा गया था, क्रिकेट की दुनिया में ही नहीं, फैंस की दुनिया में ही नहीं, बल्कि एडवर्टाइजमेंट की दुनिया में भी हर किसी ने महेंद्र सिंह धोनी को हाथों हाथ लिया था। और उसके बाद 2007 वर्ल्ड कप तक उनके वो लंबे लंबे बालों का जो एक जलवा था, एक जो ट्रेंड था, वो ट्रेंड सेटर तो बना ही, उसके साथ साथ महेंद्र सिंह धोनी ने उसे बखूबी पूरे गर्व के साथ ओढ़ा भी उस फैशन ट्रेंड को। कई लोग होते हैं उसको कैरी नहीं कर पाते उस तरह से, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी कैरी करने में कामयाब रहे। 2007 T20 वर्ल्ड कप के बाद ही उन्होंने बाल छोटे छोटे कराए थे, और उसके पीछे की कहानी बताऊं आपको उन्होंने छोटे क्यों कराए थे। ये बहुत टाइम बाद साक्षी धोनी ने कहा, जब साक्षी उनकी पत्नी बन गई, उन्होंने कहा कि अगर मैं लंबे बालों में महेंद्र सिंह धोनी को देख लेती ना
तो मैं उनसे कभी शादी नहीं करती, वो इतने खराब लगते थे। खैर, हमें तो महेंद्र सिंह धोनी लंबे वालों में भी अच्छे लगते थे और छोटे वालों में भी अच्छे लगते हैं। उम्मीद सिर्फ इतनी है कि जल्दी वापसी करें टीम में, क्योंकि अब उनके बिना टीम ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है। और उम्मीद यही है कि वो वापस आएंगे टीम में, T20 वर्ल्ड कप के लिए भी वापस आएंगे, और हो सके तो माही भाई T20 वर्ल्ड कप से थोड़ा पहले आ जाइए। आपके फैंस यही चाहते हैं, हम यही चाहते हैं, और पूरा का पूरा देश जो है इस वक्त पे आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। और ये टीम इंडिया के जो क्रिकेटर हैं युजवेंद्र चहल, उन्होंने भी टीम बस का जो वो वीडियो दिखा रहे थे उसमें उन्होंने बताया कि मैं लास्ट जो ये सीट है ना बस की, इसमें एक ही खिलाड़ी, क्योंकि वो रिजर्व है महेंद्र सिंह धोनी के लिए, इसलिए उन्हीं को मिस करता हूँ। तो वो धोनी जो 700 रुपये पालिका बाजार से जूते खरीद करते थे, आज का दौर बिल्कुल अलग है, लेकिन हम आपको मिस कर रहे हैं माही भाई। जल्दी वापस आइए टीम में, और मैं चाहूँगा कि महेंद्र सिंह धोनी के जितने फैंस हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इन किस्सों को उनके फैंस तक और पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुँचाने के लिए हमारा वीडियो ज़रूर शेयर करें। बताइए कि आपको ये कहानियाँ कैसी लगी। एक कहानी नहीं थी, अलग अलग किस्से थे, अलग अलग फन फैक्ट्स थे, कुछ ऐसे फैक्ट्स भी थे जो शायद आपको पता हो, कुछ ऐसे थे जो शायद आपके लिए नए हो। तो अगर आपके लिए नए थे तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कैसी लगी ये कहानी। आपके पास कोई महेंद्र सिंह धोनी का नया किस्सा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम अगली बार जब महेंद्र सिंह धोनी पर कोई कहानी करेंगे तो ज़रूर उस किस्से को उठाएंगे और लोगों तक आपके इस किस्से को पहुँचाएंगे। फिलहाल अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बेल बजाना ना भूलिए, और हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।